इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स MMR से टेंडर के बदले तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना क्यों चाहते हैं? ट्यूजडे को डोनाल्ड ट्रंप और PM नरेंद्र मोदी जी के बीच ऐसी क्या बात हुई थी जिस बात को लेके चाइना अभी भड़क रहा है? नेपाल की तरफ से अभी भारत के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर से रिमूव चाइना ऐप को अभी क्यों हटा दिया गया है? और क्या सच में हम अभी चाइनीज प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से हमारे जिंदगी से दूर करने के लिए तैयार हैं? इन सभी खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट MMRC और तेजस को लेके है। कुछ दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि पैंडेमिक के बाद शायद MMRC 2 डील को कैंसिल किया जा सकता है और बदले में तेजस को इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी ने इस स्टेटमेंट को एक तरीके से काउंटर करते हुए कहा था कि इंडियन एयरफोर्स को MMRC टेंडर की जरूरत है और उनको इसमें राफेल क्लास के एक फाइटर चाहिए जो कि तेजस पूरा नहीं कर सकता है। इसी बात को लेकर अभी कुछ इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स अपना अपना मत दे रहे हैं। सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स के रिटायर ग्रुप कैप्टन MJ विनोद जी हैं, जो कि एक एस पायलट हैं और उनको मिराज और MiG-21 उड़ाने का काफी सारा अनुभव है। वैसे एस पायलट से उनकी एक्सपीरियंस का अंदाजा आप सबको लग गया होगा क्योंकि हर कोई एस नहीं बन सकता है। उनका मानना यह है कि अभी तक जब भी तेजस को मिराज और जगुआर जैसे फाइटर के साथ एयर टू ग्राउंड मिशन में टेस्ट किया गया है तो ये उन दोनों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रही थी। तो ऐसे में अभी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स MMRC के बदले तेजस को इंडक्ट कर सकता है। वहीं पर विंग कमांडर नितिन पुरंदर जी का भी वही कहना है। उनका कहना यह है कि आयरन फिस्ट एक्सरसाइज के दौरान जब तेजस को मिराज और जगुआर जैसे जेट के साथ टेस्ट किया गया था तो ये उन दोनों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रहा था और इनफैक्ट ये जगुआर्स के मुकाबले ज्यादा पेलोड और रेंज को कवर कर सकती है। साथ ही तेजस में एयर टू ग्राउंड अटैक करना जगुआर्स के मुकाबले काफी इजी है। अभी तक जितने भी मिराज 2000 के पायलट्स को तेजस को टेस्ट करने के लिए दिया गया है उनका यही कहना है कि तेजस परफॉर्मेंस के लिहाज से मिराज की बराबरी कर सकता है। अभी तो तेजस MK-1 को भी काफी इम्प्रूव कर दिया गया और तेजस की MK-1 वेरिएंट अभी लगभग 14,100 केजी तक के लोड के साथ टेकऑफ कर सकता है और करीब 4,300 केजी तक के पेलोड को कैरी कर सकता है जो कि प्रीवियस 13,500 केजी तक की मैक्सिमम टेकऑफ वेट और 3,500 केजी की पेलोड से काफी ज्यादा है। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की वेटरन्स का यही कहना है कि अगर अभी MMRC डील को सबसे तेज रफ्तार में साइन किया जाता है यानी कि 2020 में इस डील को फाइनल कर दिया जाता है तो इसमें से मिलने वाली जेट समय 2025 के आसपास ही डिलीवर किए जाएंगे। और अभी HAL और ADA की तरफ से तेजस MK-2 को भी डेवलप किया जा रहा है और राफेल स्टैंडर्ड की ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने का प्रस्ताव ADA की तरफ से दिया गया है जिसमें से मीडियम वेट फाइटर 2026 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकती है और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अगर डेवलप किया जाता है तो 2030 तक तैयार हो सकता है। तो ऐसे में अभी MMRC के बदले हम ज्यादा से ज्यादा इंडियन मेड फाइटर को इंडक्ट कर सकते हैं जिसमें अभी की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज्यादा तेजस MK-1 वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है और उसके बाद मीडियम मेड फाइटर या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जा सकता है। MMRC डील और इनकी टाइमलाइन भी लगभग सेम ही रहने वाली है और ज्यादा से ज्यादा इनमें एक या दो साल का फर्क देखने को मिल सकता है। वैसे अभी तक ये सिर्फ एक सजेशन ही है लेकिन आप सबका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट को लेके। तो कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना के बीच चल रहे बॉर्डर फेसअप को सॉल्व करने के लिए अपने तरफ से मीडिएट करने का प्रस्ताव दिया था। इस बात को उस वक्त भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक तौर से टाल दिया गया था और चाइना की तरफ से सीधी तौर पर मना कर दिया गया था कि ये सारा का सारा झगड़ा जो है वो भारत और चाइना के बीच है तो इसको दोनों देश आपस में ही सॉल्व करने वाले हैं। अभी PTI में आई रिपोर्ट के मुताबिक कल डोनाल्ड ट्रंप और हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के बीच फोन के माध्यम में बातचीत हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी जी को G7 समिट में आमंत्रित किया है। इससे पहले सैटरडे को शायद डोनाल्ड ट्रंप ने G7 ग्रुप को एक्सपैंड करने का प्रस्ताव दिया था जिसमें भारत के साथ साथ 3 अलग अलग देश भी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच US में चल रहे सिविल डिस्टर्बेंस को लेकर भी बातचीत हुई थी लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक कहीं पर भी US की तरफ से डायरेक्टली इंडिया और चाइना के बीच आने का जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि इसके बारे में जरूर बात हुआ होगा लेकिन भारत अभी इसको अकेले ही चाइना के साथ बातचीत करके सॉल्व करना चाहता है।
इसी बात को लेकर अभी चाइना की तरफ से भी शार्प रिस्पांस दिया जा रहा है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जाओ लीजियान को यह सवाल किया गया था कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी जी के बीच जो बातचीत हुआ था, इसके बारे में चाइना का क्या ख्याल है। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, चाइना इस मामले में किसी भी देश का दखलंदाजी नहीं चाहता है और भारत के साथ जो भी इशू अभी चल रहे हैं उसको चाइना फुल फ्लेज्ड बॉर्डर रिलेटेड मैकेनिज्म और कम्युनिकेशन चैनल के जरिए सॉल्व करने वाला है। अगला अपडेट भी चाइना को लेके है। तो रिसेंटली एक ऐप को लॉन्च किया गया था जिसका नाम रिमूव चाइना ऐप था और ये ऐप चाइनीज ऐप्स को हमारे मोबाइल से हटाने के लिए हमको मदद करता था। इसके कल तक करीब 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके थे, लेकिन अभी अगर आप जाके इसको प्ले स्टोर में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये आपको वहां पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अब इसको प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। और रीजन ये बताया गया कि यह ऐप प्ले स्टोर की डिसेप्टिव बिहेवियर पॉलिसी को वायलेट करता है। इस पॉलिसी के अंदर ये कंडीशन है कि प्ले स्टोर में ऐसी कोई भी ऐप नहीं रखा जाएगा जो कि यूजर की डिवाइस सेटिंग को जाके उसको चेंज कर सके या फिर यूजर को किसी ऐसी पर्टिकुलर ऐप को रिमूव करने के लिए नोटिफिकेशन दे सके। तो ये प्ले स्टोर की पॉलिसी थी जिस वजह से अभी इस ऐप को वहाँ पे हटा दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग मेरे साथ एग्री भी कर सकते हैं और कुछ लोग एग्री नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब से चाइना और हमारे बीच बॉर्डर में तनाव बढ़ा है तब से चाइना वालों के खिलाफ हमारे अंदर काफ़ी हेट आ चुकी है और हम चाइनीज आइटम्स का अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। और अभी सोशल मीडिया में इसका ट्रेंड भी चल रहा है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब भी चाइना के साथ हमारे मतभेद हुए हैं तब तब बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड चला है। लेकिन क्या हमने इसमें कामयाबी पाई है? जवाब है नहीं, क्योंकि चाइना वाले अभी हमारे मार्केट में इतनी गहराई में घुस गए हैं जिनको सिंपली बॉयकॉट नहीं किया जा सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो इंडियन आर्मी के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाते हैं उनकी रॉ मटेरियल्स को चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। पहले इनको यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट किया जाता था लेकिन सस्ता पड़ने की वजह से अभी चाइना से इनको इंपोर्ट किया जा रहा है। अब आपके हाथ में जो मोबाइल मौजूद है उसकी बात करते हैं, हो सकता है आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मेड इन चाइना नहीं होगा, लेकिन 90% चांसेस यही है कि उसमें लगे हुए पार्ट्स प्लास्टिक या फिर मेटल चाइना से इंपोर्ट किए होंगे। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो चाइना वाले हर एक छोटी छोटी चीज को बना रहे हैं और इससे वो दुनिया भर की मार्केट में कम से कम कीमत में छोड़ रहे हैं, जिस वजह से जो फॉरेन की सेकेंडरी कंपनीज है वो अपने इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए खुद के पार्ट्स नहीं बनाते हैं और बल्क में चाइना से उनको खरीद लेते हैं क्योंकि ये उनको वहाँ पे सस्ता पड़ जाता है। इसीलिए अगर हम मेड इन कुछ भी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें चाइनीज आइटम का इस्तेमाल हुआ होता है। अब बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो एकदम से हम चाइनीज मार्केट प्रेजेंस को इंडियन मार्केट से हटा नहीं सकते हैं, इसके लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को धीरे धीरे करके बिल्डअप करना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मोबाइल तो हम लोग बना लेंगे लेकिन उसमें लगने वाले पार्ट जैसे कि आईसी और चिप्स वगैरह हम चाइना से बल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें इन सभी चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, यानी कि बेसिक से बेसिक आइटम रॉ मटेरियल स्टेज से हमको खुद से बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई कंपनी को यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा जो कि अलग अलग तरह की बेसिक इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे जिनको बेस करके सेकेंडरी प्रोडक्शन को बनाया जा सकेगा। हो सकता है शुरुआती दौर में दिक्कत आएगी क्योंकि प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये चाइना वालों के साथ वहां पर मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले से उनके पास ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश किया जा सकता है कि एमएसएमई कंपनीज को रिबेट दिया जाए ताकि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले कम्पिटेटिव प्राइस के साथ मार्केट में छोड़ सके। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे करके हमारे खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होते जाएंगे और हमारी कंपनीज भी चाइनीज कंपनी के साथ मार्केट में अपने दम में कम्पीट कर पाएंगे। और उस वक्त अगर हम बॉयकॉट चाइना का मोर्चा निकालेंगे तो तब हम जड़ से चाइनीज कंपनीज को इंडियन मार्केट से उखाड़ फेंक सकेंगे। लेकिन फिर भी अभी के लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी प्रकार की चाइनीज ऐप्स को बॉयकॉट कर सकते हैं, पर फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी पड़ेगी। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके, आप सबको पता होगा कि भारत और नेपाल के बीच अभी कालापानी इलाके को लेके थोड़े मतभेद रहा है। इसी बात को लेके दोनों देशों के बीच थोड़े तनाव भी बढ़ गए थे और इसको बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चलाए जा रहे थे और हजारों की तादाद में फेक आईडीज बनाए जाके हर जगहों में एक दूसरे के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने देश से प्यार करता है, कोई भी अपने देश के खिलाफ बोलेगा तो ये सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि नेपाल और हमारे बीच जो संबंध है ये भाई भाई का रिलेशन है, उसमें जो भी मतभेद रहा होगा उसको आराम से बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त जो बयानबाजी चल रही थी उस वजह से ये मामला थोड़ा गर्म हो गया था। लेकिन अभी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भारत के साथ डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया है और ये अभी आपस में जो मतभेद है उसको सॉल्व करने का बिल्कुल सही तरीका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।